ज्ञान मार्ग विहंगम मार्ग ऊंची उड़ान भरता, योग मार्ग घोड़ा गाड़ी की चाल, उछलते उछलते कूदते जाना पड़े। और भक्ति मार्ग क्या है? बोले वो कछुए की चाल। बोले स्वामी जी भक्ति की इतनी महिमा है और आप बोलते हो वो कछुए की चाल से चलती है? हाँ, क्योंकि प्रेम में कहीं जल्दीबाजी नहीं होती। प्रेम शांति का मार्ग है और भगवान इसी मार्ग पर चलने वालों को जल्दी मिल पाते। ज्ञान मार्ग से गिरेगा विमान से नीचे गिरोगे तो कहाँ कुछ बचेगा आपका? विमान से मान लो दुर्घटना हो गई, नीचे गिरे तो संभव है बचना? नहीं। ज्ञान मार्ग भी ऐसा ही है, वहां से गिरे व्यक्ति नास्तिक बन जाएगा, अधार्मिक बन जाएगा। योग से गिरे तो व्यक्ति रोगी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन भक्ति तो कछुए की चाल है, यहाँ तो न गिरने का सवाल है और न रोगी होने का सवाल है। कछुआ लंबा जीता है, सारे प्राणियों से ज्यादा कछुए की उम्र लंबी है। धीरे धीरे चले गए, एक मिनट में 5 से 7 श्वास ही ले पाता है कछुआ। सांसों की रफ्तार धीमी है, चाल भी धीमी है। जो जल्दी सांसें लेगा जल्दी मरेगा। श्वासों की गति को कंट्रोल रखना चाहिए। तो भक्ति को कहा कछुए की चाल है, और ये कछुआ न कभी गिरेगा न कभी रोगी होगा। ये कछुआ धीरे धीरे ही सही लेकिन भगवान के चरणों में पहुंच ही जाएगा। शिव जी के मंदिर के बाहर, भगवान विष्णु के मंदिर के बाहर कभी भी आप देखना कछुआ मिलेगा। भगवती के मंदिर के बाहर भी कछुआ मिलेगा। ये कछुआ है कौन? क्यों होती है इसकी पूजा? कौन है ये कछुआ? इसकी बड़ी लंबी कथा आती है। रामायणकार तो कहते हैं ये कछुआ एक दिन क्षीर सागर में पहुंच गया। भगवान हरि जहां शयन कर रहे थे, आंख बंद थी और माँ लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही थी। शेषनाग भी देख रहे थे, कोई परेशान तो नहीं कर रहा है कोई जलचर जीव। उतने में कछुए ने सोचा कि भगवान क्षीर सागर में विराजमान है, क्यों न मैं दर्शन करके आऊं। मुझे कभी सौभाग्य नहीं मिला, तो न जाने कहां दूर से वो समुद्र तक पहुंचा, वहां से बीच में गया, दूर से भगवान श्री हरि का दर्शन किया, तो सोचा क्यों न मैं चरण भी छू के आऊं। कछुआ पहुंचा नजदीक और जैसे ही शेषनाग पर चढ़ा, लक्ष्मी ने देखा कि वो कछुआ चढ़ रहा है। लक्ष्मी जी ने इशारा किया उधर देख। शेषनाग जी ने देखा तो अपने पूंछ से उसको धकेल दिया पानी में वापस। वो बेचारा वापस जैसे तैसे चढ़ा। फिर लक्ष्मी जी ने देखा, फिर इशारा किया, फिर शेषनाग जी ने पूंछ से झटक दिया। बार बार यही क्रम चलता रहा। आखिर में शेषनाग जी को बड़ा गुस्सा आया कि ये समझता नहीं प्रभु के ध्यान में विश्राम में विघ्न डालने का काम करने है, रुक तुझे सबक सिखा। तो कछुए को पूंछ में दबा के रखा, चढ़ेगा ही नहीं अब, दबा के रखा। बेचारा कछुआ हाथ पांव मार रहा है, गर्दन बार बार निकाल रहा है, वो पूंछ को पकड़ के काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शेषनाग जी की मोटी चमड़ी कछुए का इतना सा मुंह कहाँ पकड़ पाए। आखिर में भगवान के मन में हुआ, भगवान तो अंतर्यामी सब जानते थे, भगवान ने धीरे से आंख खोली और शेषनाग की तरफ देखा, लक्ष्मी जी की ओर देखा, और दोनों एकदम स्तब्ध मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि इन दोनों पर भगवान का तो प्रभुत्व है, कोई भक्त मेरे पास आया और तुम दोनों रोकने का काम करते हो, भगवान को भी अंदर से गुस्सा तो आएगा। लेकिन भगवान ने देखा, ये अपनी भूल कबूल करते हो तो ठीक है अपने आप। भगवान ने भी थोड़ी राह देखी, लेकिन दोनों ने जब जवाब नहीं दिया तब भगवान ने कहा, है शेष छोड़ उस कछुए को। शेष जी को तो पसीने छूट गए, भगवान को पता चल गए। लक्ष्मी जी के भी मन में धड़कने बढ़ गई कि न जाने प्रभु क्या करेंगे, डांटेंगे दंड देंगे क्या करेंगे।
और कछुए को जैसे ही छोड़ा, कछुआ ऊपर आया भगवान के पास और प्रणाम किया, बोले प्रभु मैं आपके चरण छूना चाहता था और इन दोनों ने मुझे चरण नहीं छूने दिए, लेकिन आपकी कृपा से मुझे दर्शन प्राप्त हो गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु इन दोनों ने मुझे बहुत सताया। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, तू इस जन्म में भले मेरे चरण अभी भी नहीं छू पाया, एक समय आएगा जब मैं मजबूर होऊंगा और ये दोनों देखते रहेंगे और तू मेरे चरण धोएगा, वो अधिकार तुझे प्राप्त होगा। वरदान देते हैं, कछुआ वापस चला जाता है। कहते हैं वही कछुआ अगले जन्म में केवट बना और गंगा के किनारे नाव चलाने का काम करता था, और वहाँ राम जी लक्ष्मण और सीता के साथ पहुँचे। नाव पार करवा दे भाई, कहा कि ना ना, मुझे पता है आपके चरणों की धूली से वो पत्थर अहिल्या बन गई, मेरी आजीविका का साधन ये एक नाव है, पहले ही घर में एक स्त्री है, दूसरी कहाँ से पालूंगा मैं, जब तक चरण ना धो दूं तब तक आपको नहीं बैठने दूंगा। आखिर मैं कथा कहती, आप सब जानते हो केवट चरण धोता है भगवान के, और लक्ष्मी जी और लक्ष्मण, सीता और लक्ष्मण, ये दोनों टुकुर टुकुर देखते हैं कि भाई बदला बहुत अच्छा लिया तूने, चरण धोने का सौभाग्य तो हमें भी प्राप्त नहीं हुआ। केवट उसमें भी कम नहीं बुद्धिमान था, केवट ने कहा कि प्रभु रुक जाओ, ये चरणामृत है ना, पहले मैं मेरे बस्ती के जो लोग हैं भक्त हैं उनको बांट दूं, उसके बाद आपको नाव में बिठाऊंगा। चरणामृत एक एक को सबको देने लगे, सब लाइन से खड़े थे। सीता जी ने कहा देवर जी, बस बस बस, देवर जी। लक्ष्मण जी बोले, बोलिए भाभी जी। बोले देखो आज है ना, रह जाएंगे हम। बोले मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्या करना। बोले लगो लाइन में। तो जो मछुआरों की लाइन थी, उस लाइन में माँ सीता और लक्ष्मण दोनों खड़े हैं कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हम चरणामृत लेकर आचमन करेंगे। ऐसी कथा मैंने संतों से सुनी। तो भगवान सबको प्रेम करते हैं, तो कई कथाओं में यह आता है कि वो केवट ही कछुआ था, फिर कई जगह अन्य कथाएं भी आती है जो भगवान को बड़े प्रिय हुए, इसलिए मंदिर में शिव जी के भी बड़े रहे प्रिय रहे कछुए, तो इसलिए नंदी से भी पहले कछुए की स्थापना होती है भगवान।